हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से आप लोगों को साइट विजिट पे लाया हूँ, साइट टूर पे। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज कि कॉलम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो कॉलम का कंस्ट्रक्शन, अगर आपका कॉलम का साइज 10x10 है, तो सबसे पहले 1.5 फीट खड्डा खना जाता है। 1.5 फीट खड्डा खना जाता है, लंबाई चौड़ाई उसका भी 5 फीट होता है, सॉरी 5 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा। उसके बाद 2 इंची का बालू बिछाया जाता है, एक लेयर बिछाया जाता है। उसके बाद ब्रिक बिछाया जाता है एक लेयर। उसके बाद PCC 4 इंची का लेयर बनाया जाता है, PCC का। उसके बाद जो है वो जाली प्रोवाइड किया जाता है कॉलम के लिए। जाली प्रोवाइड करने के बाद उस जाली में जो गैप होता है, दोनों जाली सरिया के बीच का गैप, वो होता है 6 इंच। उसके बाद जो है वो हम लोग कॉलम के लिए RCC डालते हैं, RCC इन्फोर्स्ड कर देते हैं। उसके बाद शटरिंग हो जाता है। शटरिंग होने के बाद का जो प्रोसेस है वो ये है कि शटरिंग होने के बाद उसको 1 सप्ताह तक क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग करने के बाद सारे मिट्टी को उस पर डाल दिया जाता है, जैसे कि ये सब सारे कॉलम है, सब में मिट्टी डाल दिया गया है, ये ग्राउंड लेवल तक आ गया है, तो उसको मिट्टी डाल दिया गया है। मिट्टी डालने के बाद जो है शटरिंग खोलने के बाद मिट्टी डाल दिया जाता है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो है ये है कि टाई बीम के लिए पूरा सरिया तैयार किया जाता है, उसका भी शटरिंग किया जाता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे सेफ्टी टैंक है, ये जो है सेफ्टी टैंक है। सेफ्टी टैंक का इसमें हाइट लिया गया है वो है 9 फीट। तो नीचे में 5 फीट क्लियर चाहिए, 5 फीट क्लियर चाहिए। उससे पहले इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसमें प्रोसेस ये है कि पहले तो स्वेलिंग होता है, सॉरी पहले तो सैंडिंग होता है, सैंड नीचे एक लेयर दिया जाता है 2 इंच का। उसके बाद ब्रिक बिछाया जाता है। उसके बाद एक लेयर PCC का 3 या 4 इंची का लेयर डाला जाता है। उसके बाद सरिया डाला जाता है। उसके बाद रिइंफोर्समेंट होता है। रिइंफोर्समेंट होने के बाद ब्रिक वर्क होने के बाद, उसके बाद यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक आ जाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर इसका टाइपिंग किया जाएगा। इसका जो इस फ्लोर का जो प्लिंथ लेवल है वो ये होगा, ये जो दिख रहा है डीपी से वहाँ तक इसका प्लिंथ लेवल होगा। तो यहाँ तक आने के बाद ये 9 फीट पहुँच जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आज था ये हमारा टॉपिक कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ पे मैं आप लोग दिखा सकता हूँ, देखिए कॉलम का कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ये जो साइट है वो अपार्टमेंट का साइट है, जिसमें कि 4 फ्लैट का एक अपार्टमेंट है, एक एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट 4 फ्लैट है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह मैं आप लोगों को साइट विजिट कराता रहूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जो फ्रेशर है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस हमारे चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।